attacks on religious and ethnic minorities in Bangladesh, Hindus, Christians and others. तो इंडिया से पंगा लेना जो ना उसको बहुत महंगा पड़ेगा। और नहीं तो क्या? रूस और ऑस्ट्रेलिया से बांग्लादेश के लिए बहुत ही बुरी खबर आई है। तो अडानी ने बोला, देखिए अडानी कोई यहाँ पे एनजीओ तो खोल के बैठा नहीं है। अडानी बांग्लादेशियों का भला करने के लिए तो बैठा नहीं है, वो तो बिजनेसमैन है। ओह यस 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 यस, यू आर राइट। तो भैया धीरे धीरे ये बात बिल्कुल कन्फर्म होती जा रही है कि बांग्लादेश बनेगा कांग्लादेश। बांग्लादेश के खिलाफ रूस और ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है कि हम भी इंडिया से पंगा ले रहे हैं, तो हम कहाँ पे खड़े हैं? सिर्फ दावे थे, बड़े बड़े प्रैक्टिकल जीरो सिफर अंडा साबित हुए। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारा तो हर पाकिस्तानी खुद भाग रहा है इधर से। बांग्लादेश तो कह रहा है पाकिस्तान से हथियार खरीदूंगा जंगी। किसके लिए खरीदेगा? हमारा असला ना लेना खुदा के वास्ते, ये हमारे पास नहीं चलता। अरे 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 अरे, ये तो होना ही था। और तुम कहाँ पे चलाओगे? हम भी फिर तुम न्यूट्रल होके बात करेंगे तुमसे। फिर दोस्ती, भाईचारा, पड़ोसी, ये सब कल विक्टिम कार्ड प्ले मत करना। ये पैलेस्टिनियन जैसे प्ले करते हैं ना, ये बांग्लादेशी भी पैलेस्टिनियंस के रास्ते जा रहे हैं, वही विक्टिम कार्ड प्ले मत करना। रूस ने तो कंगाल हो रहे बांग्लादेश के हाथ काट दिए। आज खबर ये आई है कि बांग्लादेश को कंगलादेश बनाने में इंडिया के साथ अब रूस भी मिल चुका है। $630 मिलियन उन्होंने जो है बांग्लादेश को, जो रूस ने कर्ज दिया था, वो डिमांड कर लिया। रूस ने बांग्लादेश को दिए गए अरबों रुपए के लोन पर तुरंत इंटरेस्ट चुकाने के लिए कहा है। बांग्लादेश में जो भी हो ऑलमोस्ट आप लोगों को पता ही है, लेकिन अब जो बांग्लादेश में होने जा रहा है किसी ने सोची ना होगी, क्योंकि बांग्लादेश ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। वाह भाई वाह। और ये बात तो मैं भी बोलता हूँ, अगर बांग्लादेश ने अभी भी अपनी हरकतें नहीं सुधारी, अभी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं किया और अभी भी एक अच्छे बच्चे की तरह नहीं सुधरा, तो बांग्लादेश को डूबने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि बाहर के मुल्कों ने बांग्लादेश के ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कहते थे सुलेमान लेते हूँ, तो इन बांग्लादेशियों की एक पाकिस्तानी ने भी क्या धुलाई की है, क्योंकि उनके दिल में भी तो ठसक है, कसक है 1971 की। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक तरफ इंडिया ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश के अंदर बंद की, बिजली उनको वो जो फ्री और सस्ती देते थे वो कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं खत्म होने जा रहे हैं। साथ साथ 16 आइटम्स जो है जो डेली कमोडिटी की है इंडिया ने, वो भी बैन कर दी। तो क्या कहेंगे कि बांग्लादेश में हुकूमत तो बदली, लेकिन आवाम जो है वो सख्त मुश्किल का शिकार हो गई है। रूस ने 2015 में बांग्लादेश को $11 बिलियन दिए थे। देखिए किसी भी मुल्क हो, चाहे हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है, चाहे इंडिया है, कोई भी मुल्क है ना, जब तक आवाम ठीक नहीं होगी ना, तो कुछ भी निज़ाम ठीक नहीं होगा। ठीक हो गया। अगर किसी मुल्क में थोड़ा बहुत मसला आ जाता है, अगर आ भी गया तो ये तरीका तो नहीं था कि आप इतनी तोड़ फोड़ करो, इतने बंदे मार दो, अपने वज़ीर आज़म को निकाल दो। ठीक है, अब उसने पनाह दिए, आज इंडिया के एहसान भूल गए बंगाली? जब हमारे साथ जंग हो रही थी, हमसे अलहदा हुए थे, तो उन्होंने इंडिया भी नहीं उनको संभाला था। ठीक है, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा था, वैसे भी उनके साथ बॉर्डर लगता है, इतने अरसे से इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, ठीक है ना, देखिए सब कुछ तो उधर से आता है, इंडिया से बॉर्डर लगता है, बंगालियों की हर चीज़ वो आती है। एक बंगालियों के पास क्या है? पटनस और एक मछली। अच्छा। इसके अलावा क्या है उनके पास? और असलाब है, पानी है, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो जब आपके पास कुछ है भी नहीं है, आपका पूरी दुनिया में कोई दोस्त भी नहीं है, ठीक है, फिर आप अपने बड़े हमसाये से क्यों बिगाड़ के रखते हो? जिस तरह अब हम हमारा भी कोई नहीं है, हमें सिर्फ नौकर बना के रखा हुआ है पूरी दुनिया ने, कि सबसे सस्ती लेबर पाकिस्तान से मिल जाती है, भूखे नंगे लोग हैं, जमीनें बेचेंगे, जैसे भी आएंगे ना, इसी तरह हमें भी पाकिस्तान को अपने हमसायों से बना के रखनी चाहिए थी, मगर हमने भी नहीं बनाई। और बंगालियों का भी अब जो हाल हो रहा है, अब उसकी आवाम की वजह से हो रहा है, अभी भी उनका मुंह उनसे ही लगना है। हमारी ये मंशा नहीं है कि हम बांग्लादेशियों को आर्म ट्विस्ट करें। व्हाई शुड वी यार? हम क्यों करें? हम किसी को क्यों करें? हम कौन होते हैं किसी को आर्म ट्विस्ट करने वाले? लेकिन तुम कौन होते हैं हमसे बदतमीजी करने वाले? यार तुम्हें दिया ही है, तुमसे कभी लिया नहीं है, ना तुम इस लायक हो कि तुम भारत जैसे देश को कुछ दो। तुम्हें तो देश बना के दे दिया सर उनको, तो हमने इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? इनको क्या लग रहा था ये खुद अपना देश बना लेते? पाकिस्तानी मार मार के टांग देते इनको उल्टा। ऑपरेशन सर्च लाइट के भयावता के बारे में मतलब ये लोग भूल गए हैं एक्चुअली। एंड वी आर नॉट लुकिंग, वी डोंट वांट टू लुक एट बांग्लादेश थ्रू द लेंस ऑफ 1971। I don't want to look at Bangladesh through the lens of 1971. We don't talk about this, sir. We don't even talk about it. Right, हम लोग तो विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, जब विजय दिवस, और विजय दिवस हमारे यहाँ कोई छुट्टी नहीं होती, हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता कि भाई 16 दिसंबर को कोई छुट्टी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, हम ये कहते हैं कि हमने 93,000 पाकिस्तानियों की पतलूनें उतरवा दी थी। ये ठीक है, वो हमारा पाकिस्तान रिलेटेड रहता है, हमारा ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेटेड नहीं रहता। नहीं, एकदम कि हम लोग कोई एहसान जता रहे हैं, हम लोग ऐसा कभी नहीं करते, राइट? लेकिन मुझे लगता है कि बांग्लादेश हैज
exposed itself as a highly immature nation. They are not mature people. हाँ, इनसे पहले बात करें, आप क्या कहेंगे ये जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो क्राइसिस चल रहे हैं? यार दरअसल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। अच्छा ठीक है। हम जो स्टडी में पढ़ते हैं वो सिर्फ ये कब पढ़ते हैं कि यार बांग्लादेश ने हमारे साथ गलत किया, लेकिन अगर हम उसकी अच्छी हिस्ट्री पढ़े, असली हिस्ट्री पढ़े, क्रिटिकल हिस्ट्री पढ़े, तो हमें देखा जाए कि हमने बांग्लादेश के साथ बहुत जुल्म किया। अच्छा। क्योंकि जो हमारा 80% जो इकोनॉमिकल था वो बांग्लादेश से आता था, लेकिन हम उसको कुछ दे नहीं रहे थे। जब मुजीबुर रहमान वहाँ से पास हो गया तो हमने उसको गवर्नमेंट नहीं दी, हमने यहाँ पर अच्छा वो तो कर दिया, वो जब आज़ाद हो रहे थे तो हमने वहाँ पर इतने वो कर दी, जुल्म कर दी, लोगों को जख्मी कर दिया, लोगों ये औरतों के वो गलत काम उसके साथ कर। लेकिन इन बांग्लादेशियों को शर्म नहीं आती है जब पाकिस्तानी इनके बारे में ऐसी राय रख रहे हैं कि नहीं इनको भारत के साथ में गद्दारी नहीं करनी चाहिए थी, भारत ने इनको संभाल के रखा है, इनको बनाने में, मुल्क बनाने में इनकी मदद करी है, तब भी अगर बांग्लादेश भारत वालों के साथ में ऐसा व्यवहार कर रहा है तो बांग्लादेशियों को डूब के मर जाना चाहिए। 2 लाख वॉर बेबीज पैदा हुए हैं, 2 लाख नाजायज बच्चे। अच्छा वो नहीं दिखाते कि जिन लोगों की पतलूनी उतारी गई थी वहाँ पर, वो क्यों नहीं दिखाते लोग? ये 93,000 जो आर्मी थे वहाँ पर जो पतलूनी उतारी गई थी वो क्यों नहीं बताते लोग? ये सिर्फ पक्षी में हमें ये बताते कि यार मुझे बरनामा नहीं, ये सियासतदानों की वजह से हुआ था। क्या ये जो 93,000 हुए थे वो लोग जो, अच्छा ये बात है कि एक ये है कि जो बांग्लादेश से जो भी रिवॉल्यूशन, जो भी मूवमेंट स्टार्ट होती है वो हमेशा कामयाब होती है। आप जो बांग्लादेश की जो मूवमेंट है, जब पाकिस्तान आज़ादी की मूवमेंट थी वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी? बांग्लादेश से स्टार्ट हुई। मशरकी पाकिस्तान सबसे आगे था, सबसे आगे मैं एग्री करती हूँ, लेकिन आज उसके खजाने खाली हो रहे हैं। आज 16 आइटम्स उसके ऊपर इंडिया ने बैन कर दिए हैं, रूस ने $630 मिलियन का कर्जा डिमांड कर दिया है। अडानी क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेस मैन है, वो वहाँ पर बिजली देता था सस्ती और उधार की बिजली, वो भी बंद कर दी। तो आप बांग्लादेश कहते ना ये कंगलादेश बनने वाला। यार मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि चल वो हो गया सियासतदानों की वजह से ना, शेख हसीना वगैरह की वजह से, लेकिन उसके जो अवाम है वो बड़े वो मेहनती है, वो अपने मुल्क को संवार लेंगे। जिस तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अवाम बड़े ही मतलब वो नहीं है जिस तरह बांग्लादेश वाले मेहनती है, वो रिवॉल्यूशन लाते हैं, वो कोई मूवमेंट स्टार्ट करते तो वो कामयाब होते। पाकिस्तान में कोई मूवमेंट नहीं, हम फलस्तीन की बात करते हैं, पाकिस्तान में कौन सा अच्छा हो रहा है? पाकिस्तान में हर जगह जुल्म होता है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है। जिसको बिजली मिल रही है पंजाब में वो बिल पेश नहीं है, वो बिल नहीं पे कर सकते। KPK में नहीं मिल रही है, बलूचिस्तान में नहीं मिल रही है, वहाँ पर कितना जुल्म हो रहा है। सारे वहाँ पर लोग कहते हैं कि यार एंटी नेशनल लोग हो रहे, क्यों हो रहे? इसके पीछे भी तो कोई वजह कि कोई आर्मी के खिलाफ बोल रहे हैं, कोई हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है सवाल ये है। ये बताए ना कि जो पीछे बात हो रही है वो क्यों हो रही है? हर एक कहता है मुझे राइट्स नहीं मिल रहे, हर एक यही कह रहा है मुझे राइट्स नहीं मिल रहे। तो ये बात तो हुकूमत को करनी चाहिए ना कि यार इसको राइट्स क्यों नहीं मिल रहे? हुकूमत यहाँ पे क्या कर रही है कि इतना टैक्स हम उसको दे रहे हैं हर चीज पर, मेरे कपड़ों पर, मेरे मोबाइल पर, हर चीज पर, ये हम जो पहनते हैं, जो सुनते हैं, जो हम उस पर टैक्स दे रहे हैं। वेस्ट मीडिया, जैसे हम टॉपिक बांग्लादेश का जिक्र कर रहे हैं, वेस्ट मीडिया ये कह रहा है कि जो इंडिया है वो बांग्लादेश के साथ ठीक नहीं कर रहा, और डॉक्टर अजय शंकर ने कहा हम तो उनके साथ डिप्लोमेटिक वे में चल रहे हैं, हम तो कुछ बुरा नहीं कर रहे। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि इंडिया ही बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था, आज भी कर रहा है, कल भी कर रहा है, और क्योंकि इसके अलावा तो उसका बॉर्डर ही, तो इंडिया से बिगाड़ के बांग्लादेश को कितना नुकसान पहुंचा? और हमारा भी बताएं कि हमने पाक और इंडिया की दोस्ती को प्रमोट नहीं किया बल्कि दुश्मनी 1947 का, अंकल से ही बात करेंगे, हमें कितना नुकसान पहुँच रहा है? यार हमें इस टाइम इतना ज़्यादा नहीं पहुंच रहा है। इंडिया जो है वो हमेशा डिप्लोमेसी पे बात कर रहा है, वो जहाँ पर उसका फ़ायदा होता है वो हमेशा वहाँ पे जाता है। ठीक हो गया। इंडिया जब शेख हसीना वज़ीर आज़म थी तो उसको फ़ायदा था क्योंकि वो इंडिया के साथ थी। जो जमात इस्लामी है जो अभी उसकी हुकूमत बनने जा रही है शायद ये अगले वोट, हाँ वो इंडियन है, वो पाकिस्तान के साथ या ब्रिटेन के साथ उसके ताल्लुक अच्छे करना चाहती है, अमेरिका के साथ उसके अच्छे ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना? तो इंडिया उसके हवाले से उससे बदला एक तरह से ले रही कि आपने शेख हसीना को क्यों हटा दिया, ठीक है ना? तो इसलिए वो उससे थोड़ा सा क्राइसिस वगैरह में गिर लेती है, तो शायद वो शेख हसीना को मालदीव को किया था, वो जिस तरह मालदीव को, श्रीलंका को कर दिया, ये भूटान को कर दिया, नेपाल को कर दिया, ताकि वो दोबारा आ जाए और लोग उसको माफ़ कर दे कि यार आप फिर बैठ जाए और लोग उसको भूल जाए कि यार जो क्रिटिकल वाला हुए थे, जो स्टूडेंट के साथ जुल्म हुआ था, जो तकरीबन 200-300 लोग मर गए थे, तो इस वजह से 1,000 से ज्यादा स्टूडेंट की 1,000 से ज्यादा वो तो ये रिकॉर्ड हो गई थी। एक ध्रुराठी है, एक मतलब यूट्यूबर है, वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ रिकॉर्ड हो गई थी, जो बिना रिकॉर्ड जो लोगों को ज़बह किया गया था, जो लोगों को मतलब ये वो बगैर किसी हुकूमत के बताया भी नहीं था, उसको दफन कर गया था, वो तो पता भी नहीं है, शायद 10,000 हो, शायद 15,000 हो, क्या पता। और लोगों का कुछ जुल्म भी नहीं होता, जो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन उसने पास किया था, बिल पास किया था कि मतलब जो तकरीबन 60% जो कोटा है, 56%
वो उस लोगों को मिलेगा जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जो जंग में हिस्सा लिया। हाँ, तो वो कोटा वो कह रहे कब तक चले। हाँ। वो तो उसने कहा कि चलो उसको मिल गया, उसके बच्चे को मिल गया। अच्छा उसको इतने कितने बच्चे आ रहे कि उसको मिल रहे मुफ्त में मिल रहे। मैं तो वो मेरिट पे बात हुई ना, जैसे हमारे मुल्क पे आप बात करेंगे। जी जी जी, क्या कहेंगे? मेरे को लगता है इन पाकिस्तानियों को इतना बांग्लादेश के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। इनको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने मुल्क पे ध्यान देना चाहिए। बांग्लादेश के पास में अभी भी इनसे कई गुना ज्यादा फॉरेन रिजर्व है। और इन भूखे नंगों की एक और हरकत दिखाऊं, भी बांग्लादेश में बाढ़ आई थी तब पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने खड़े होकर कहा था कि बांग्लादेश को अगर मदद की जरूरत है पैसे से तो हम करेंगे। कॉमेडी मुल्क है, कॉमेडी। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।